नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों ये जो हिबिस्कस मेरा देख रहा है ये ग्राउंड में ग्रो हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका देखिए हेल्थ भी है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी चल रहा है। तो दोस्तों ये हिबिस्कस का जो केयर है मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा आज मैं जानकारी दूंगा। तो कैसे मतलब ये इतना हेल्दी बना है और इतना अच्छा फ्लावरिंग भी कर रहा है और आप देख रहे हैं बहुत सारा बड्स भी है इसमें, सारे जो ब्रांचेस जितना निकला है सारे ब्रांचेस में आपका बड्स भी नज़र में आएगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हिबिस्कस आप देख रहे हैं ये सबसे मेरा पुराना जो है हिबिस्कस का प्लांट है। ये करीबन 4 साल से ये प्लांट ग्रो हो रहा है, ये ज़मीन पे ग्राउंड पे देखिए आप, ये देखिए कितना अच्छा मोटा स्टेम है इसका। मैंने 1.5 महीना पहले जो है इसको पूरा प्रूनिंग कर दिया था, देखिए यहाँ से जो है बिल्कुल इसको काट दिया था मैंने, क्योंकि जब ये पूरा मतलब हाइट भी ज़्यादा हो गया था और साथ में इतना इसमें मिलीबग्स लगा था कि पूरा पौधा जो है ख़राब कर दिया इसका जो है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो देखिए ये मेरा मंदिर के सामने है तो इसको सब कुछ मतलब सही तरह से मिल रहा है। एक तो जो है इसका फर्टिलाइज़र मतलब मंदिर में जो है पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो पानी है, जैसे केले का छिलका वगैरह हो या संतरे का हो, सारे सब कुछ जो है भिगो के रखते हैं और उसी का जो पानी है मतलब इसी में डालते हैं। तो सारा जो जितने पौधे हैं यहाँ पे देखिए अपने, ये देखिए ये तुलसी का पौधा कितना मतलब कहना हेल्दी है, कितना ज़बरदस्त ये मतलब इसका ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों सही सब कुछ होगा तो फिर बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है सब प्लांट्स का ही। पॉट में ग्रो करना बहुत ही मतलब एक चैलेंज है, क्योंकि सब कुछ जो है उसमें ठीक ठाक अगर होगा तभी आपका पौधा जो है मतलब अच्छा ग्रो होता है। लेकिन ज़मीन में आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा केयर करने से ही आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा हेल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। तो दोस्तों चलिए, प्रूनिंग कर दिया था उसके बाद जो है दोस्तों देखिए कितना अच्छा ब्रांचेस निकला है, पूरा जो है ये एक गुलदस्ता जैसा मतलब पूरा नज़र में आ रहा है। अब दूर से मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा जो है एक बहुत ही अच्छा मतलब फ्लावर प्लांट आपको नज़र में आ रहा है। तो सर हर ब्रांचेस में आपको कलियाँ जो है नज़र में आएगा, देखिए आप तो आज मतलब 4 फ्लावर्स जो है आज खिला है। तो दोस्तों अब आगे देखिए कितना सारा जो है बड्स है हर ब्रांचेस के, मतलब जनस देखिए ये ब्रांचेस में आपको बड्स मिलेगा। तो दोस्तों ये साल भर मतलब पूरा फ्लावरिंग करता ही रहता है, जो ज़्यादा विंटर में थोड़ा बहुत जो है इसका फ्लावरिंग कम होता है, उसके बाद से जो है ये फ्लावरिंग बहुत ही, क्योंकि इससे पहले जब मतलब प्रूनिंग से पहले जब ये पौधा था जब कि थोड़ा ज़्यादा लंबा था, ऊंचाई पे थोड़ा मतलब हाइट पे था, ये करीबन छत से भी ऊपर चला गया था, उस टाइम जो है दिन में कम से कम 15-20 मतलब एक एक टाइम पे मतलब फ्लावरिंग इसमें हो रहा था। तो दोस्तों ये जो हिबिस्कस जो ग्राउंड पे आप ग्रो करेंगे तो फिर उससे मतलब कम केयर में ही आप अच्छा अपना तो फ्लावरिंग इसमें से मिल सकता है, आपका पौधा भी जो है हेल्दी हो सकता है, हेल्दी होता है। तो चलिए ये जो हिबिस्कस का बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।